गुड मॉर्निंग, इट इज़ 6:15 AM ऑन 23rd of May 2024 एंड एज यू कैन सी वी आर ऑल सेट टू लीव। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो काफ़ी लोग पूछते हैं इन कमेंट्स ऑल्सो एंड इन पर्सन ऑल्सो, कि आप बाइक पे अगर मैं और प्रियंका साथ में जाते हैं तो घर में ईवा आपको मिस नहीं करती क्या? सो दिस इज़ वॉट हैपन्स एट आर होम। ईवा सकाळी सकाळी उठली मम्माची तयारी करून द्यायला, तुम्ही 4 दिवस येणार नाही आहे तर मी वेणी बांधून देते मम्माची। बघू ईवा वेणी दाखव, तिने मला डोळ्यावर पाणी ओढवायला सांगितलं, रात्री सांगून झोपलेली, बता के सोई थी कि कुछ भी हो जाए मुझे सुबह जल्दी उठाना है। एनीवेज और एक तैयारी यहाँ पे, आज है बुद्ध पूर्णिमा, सो पूजा की तैयारी यहाँ पे हो चुकी है। अभी पूजा करेंगे और उसके बाद ही निकलेंगे घर से। थोड़ा सा लेट हो गया है, 6 o'clock भी वर सपोज टू स्टार्ट, इट्स 6:30 ऑलरेडी, और 10-15 मिनट लगेंगे निकलने में बिकॉज सामान सब पैक हो चुका है। जिस दिन हमें किसी भी लॉन्ग राइड के लिए निकलना है तो उसे एक रात पहले मैं सारा सामान लोड कर देता हूँ। हर दिन ऐसा करने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन फर्स्ट डे आपको सब बैलेंस करना होता है, लेफ्ट सैडल बैग राइट सैडल बैग, ये वो, कौन सा सामान कहाँ पे जाएगा, कौन सा सामान ज़्यादा डेलिकेट है, वाटरप्रूफिंग की ज़रूरत ज़्यादा कौन से सामान को है, तो वो सारी चीज़ों को देखते हुए एक बार फर्स्ट टाइम सब सेट हो गया तो अब मुझे पता है, मेरे दिमाग में सब सेट है कि ये सामान इस बैग में जाएगा, तो फिर कल से ये नौबत नहीं आएगी, कल से हम सुबह उठ के फटाफट डाल देंगे निकल जाएंगे। ऑल सेट टू लीव, रेडी प्रियंका? पूजा पण झालेली आहे, बाईक रेडी आहे, टाटा बाय बाय। चलो, पहिल्याच दिवशी 6 वाजता निघायचं होतं, 7 वाजता निघतोय। ऑल राईट, नवीन विंडशील्ड सोबत पहिल्यांदाच बसतोय मोटो ब्लॉकसाठी, सो न्यू विंडशील्ड के साथ कैसा व्यू आ रहा है बताना कमेंट करके, ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्ट कर रही है या आपको दिख रहा है क्लियर, हाउ इज़ इट फीलिंग, व्हाट इज़ द डिफरेंस, आप बताइए कमेंट करके। चलो गणपति बाप्पा मोरिया, चल ये आ गए मेन रोड पर। ट्रिप रिसेट कर देते हैं सो दैट अपने को पता चलेगा। ओके, ट्रिप 1 इज सेट टू 0, करंट ओडो इज 949 किलोमीटर्स, 6:57 AM, 29 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है अभी, फ्यूल ऑलमोस्ट फुल है, सो एटलीस्ट मेरे ख्याल से ब्रेकफास्ट पॉइंट तक 150-200 किलोमीटर तो फ्यूल का टेंशन नहीं है अपने को, उसके बाद देखेंगे। कर्जत में अगर आप अब आओगे ना तो बहुत सारे आइकॉनिक न्यू प्लेसेस देखने मिलेंगे, लाइक दिस वन, छत्रपति संभाजी महाराज का स्टैचू, यहाँ पे शिवसृष्टि उद्यान, शिवाजी महाराज के लाइफ में से कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स यहाँ पे डिपेक्ट हुए हुए हैं। Then we have this 30 फुट हाइट का विठू माउली का स्टैचू, look at this, सनराइज के साथ इसका नज़ारा अलग ही होता है, wow. अच्छा लगता है when you are an eyewitness to the development. मेरी आंखों के सामने जो चीज़ें बदली है, देखा है कि 10-15 साल पहले कर्जत सिटी कैसी थी, मतलब सिटी कहने लायक भी नहीं थी उस टाइम पे, और आज कैसा है, ऑल द कंक्रीट रोड्स, 4 लेन्स एंड ऑल, काफ़ी अच्छा लगता है। वैसे जब से बाइक ली है अभी तक ट्रिपल डिजिट तक टच नहीं किया है मैंने, 4000 RPM का लिमिट है ना 1000 किलोमीटर्स तक, अभी 964 किलोमीटर्स पे है, इतना संभाला है तो 50 किलोमीटर के लिए क्यों छोड़ू, और 50 किलोमीटर के बाद ट्रिपल डिजिट ट्राई करते हैं।
ट्रिपल डिजिट मतलब एकदम हाई भी नहीं जा सकते क्योंकि अगले 1000 किलोमीटर तक 6000 RPM का लिमिट है, बट अगर मैं 4000 RPM 85 पे चल रहा हूँ तो 6000 RPM इज़ वे बियॉन्ड माई कम्फर्टेबल जोन, तो 6000 तो शायद ही मैं कभी टच करूँगा। 7:23 AM और हम पहुँच गए हैं खोपोली, यहाँ पे हमें मिलेंगे अपने और दो साथी। कहाँ गए अपने साथी? साथी उस तरफ है। कैसे गोल गोल फिरायला लावतात रे? चाय इज इम्पॉर्टेंट। हेलो नवाज भाई, आज नवाज भाई एकदम सही अवतार में। डिलीवरी के दिन व्लॉग में देखा था, फ्लिप फ्लॉप पहन के हाफ फेस हेलमेट में गाड़ी चला रहे वो भी हिमालयन चला रहे थे। बाय द वे आज नवाज भाई चलाएंगे एवेंजर रेड वाइन। इसका नाम है रेड वाइन यार, सबका नाम है, अपनी गाड़ी का नाम नहीं है, कोई कमेंट करके बताता ही नहीं है नाम। नाम जरूर रखेंगे हम लोग। हाँ ना, नवाज भाई के पिलियन प्रकाश। चलो 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 जल्दी चल दो, निकलते। पाली रोड का ये स्ट्रेच बहुत पसंद है मुझे, दोनों तरफ से पूरी झाड़ियाँ लगती है और बीच में ट्विस्ट एंड टर्न्स। ज़्यादा नहीं, 1-2 किलोमीटर का ही पैच है, फॉरेस्ट जोन में होने की वजह से इसका कंक्रीटिंग नहीं हुआ है और वाइडनिंग भी, बट जैसा है वैसे ही मज़ा आता है इसमें गाड़ी चलाने में। ओरे मदन को यू उम्बरखिंड। उम्बरखिंड इज अ प्लेस, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट एपिसोड इन छत्रपति शिवाजी महाराज व्हाट यू कॉल जीवन गाथा। पता है आपको डिटेल्स इसके बारे में, रायबागन की लड़ाई। वैसे अच्छा स्पीड चल रहे हैं हम सिंस वी स्टार्टेड, ट्रिपल डिजिट अभी तक भी टच नहीं किया है, 987 किलोमीटर्स डन और आज की ट्रिप में 39 किलोमीटर्स एवरेज स्पीड इज 28.2 माइलेज, एवरेज स्पीड इज 51 किलोमीटर्स पर आवर। 657 को स्टार्ट किया था ना, राइट नाउ इट इज 748 और हम 50 मिनट में 40 किलोमीटर आ गए। नॉट बैड। तो पाली पहुंच के एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, पाली या वाकड़ में, थोड़ा सा रिलैक्स होने के लिए। अराउंड 70-75 किलोमीटर्स पे 5 मिनट के लिए रुकेंगे तो थोड़ा सा इजी रहेगा, बिकॉज बहुत टाइम के बाद राइड कर रहे हैं। मैंने एटलीस्ट वो 350 किलोमीटर बाइक की डिलीवरी के दिन किया है, लेकिन प्रियंका को तो एब्सोल्युटली आदत नहीं रही है। आप सोचो ना, 2020 के दिसंबर में नहीं, 2021 के जनवरी में वो राइड की थी हमने मराठवाड़ा थी, तो 2021 जनवरी से 2024 में, मोर देन 3 ईयर्स, इतने बड़े गैप के बाद वो राइड कर रही है आज। बाइक चलाने में खो गया था मैं, आई डिडंट रियलाइज। ये देखो 1001 किलोमीटर हो गया फाइनली। अब ये मत बोलना कि मैंने चीटिंग की है, 1001 अभी हो रहा है, तो मैंने कल वाले वीडियो में 1000 किलोमीटर्स कैसे बोल दिया, 940 something किलोमीटर्स था, तो आई टुक दैट लिबर्टी और 1000 किलोमीटर्स वाला वीडियो बना दिया। लेकिन अभी 1000 किलोमीटर्स ऑफिशियली एंड ऑनेस्टली हो चुके हैं, तो क्या करें। चलो ट्रिपल डिजिट को टच करके आते हैं, टच करके आते हैं। इतना इजीली चल रही है ना गाड़ी, 90-95 फर्क ही नहीं पड़ता उसको। राइट नाउ आई एम डूइंग 94 किलोमीटर्स एन आवर, 98, 99, 100, 101, 100, 101, 100 किलोमीटर्स एन आवर। ऐसे बोल रहा हूँ जैसे आज तक कभी किसी ने किया ना हो। लोग तो 150-160 चला के आए। बस 100 किलोमीटर्स एन आवर एग्जैक्टली 5000 RPM के चल रही है गाड़ी। सो यस, एज आई सेड, 6000 RPM इज मोर देन इनफ
6000 RPM के ऊपर तो कभी नहीं जाना पड़ेगा मुझे, मुझे नहीं लगता। तो 2000 किलोमीटर तक का जो लिमिट दिया हुआ है वो अपने लिए लाइफ टाइम लिमिट होने वाला है। पाली पहुँच के रुक गए अभी, ऑलमोस्ट 69 किलोमीटर्स अपने घर से, शायद 69-70 समथिंग। काफ़ी अच्छे टाइम में हो गया है, 1 घंटा और 5 मिनट, सो बहुत अच्छा टाइम कवर हो गया। अभी नवाज़ भाई और प्रकाश के आने तक रुकेंगे, जैसे ही वो लोग आते हैं फिर आगे निकलेंगे। इन द मीन टाइम यहाँ पे मेकअप करने की तैयारी हो रही है। अभी अभी आता 1 मिनटापूर्वी तुम्हाला बोललीस मला लिपस्टिक लावायची आहे, माझे गालबक कसे पांढरे झालेत, मला काहीतरी करायचं आहे। सही आहे, सो फार सो गुड, मजा आ रहा है, बाइक चलाने में भी मजा आ रहा है। एज यू सॉ 1000 किलोमीटर्स टच हो गया अपना फाइनली, और 100 किलोमीटर्स पर आवर का स्पीड भी टच किया। झाली लिपस्टिक लावून, हे मग आता काय ठेवलंस, दाखव पर्समध्ये, नाही दाखव दाखव दाखव, हां घे। बाय द वे नवाज भाई और प्रकाश आए और आगे निकल गए, बिकॉज दोनों ने कहा कि अभी रुकने की ज़रूरत नहीं है, दे आर बहुत फ्रेश, तो और आगे चल के फिर नेक्स्ट स्टॉप पे रुकेंगे। सो हमने भी कहा ठीक है आप निकल लो आगे, पानी का बॉटल लेके फिर हम कंटिन्यू करते हैं। अराउंड अभी 70 किलोमीटर्स के बाद रुकना है महाड़ में अपने को ब्रेकफास्ट के लिए, तो वहीं पे रुकेंगे अभी। एक तरफ नदी, एक तरफ पहाड़, और बीच में से जंगल को चीरता हुआ रास्ता, ऐसे शब्दों वापर लिखे एकदम ऐसा हॉरर फिल्म का फील येतो ना। का मला जाऊ द्या ना, थँक यू। अब कुछ ही देर में हम पहुंचने वाले हैं उस जगह जिसके बारे में पूरा देश बात कर, वाह उस जगह पहुंच ही ना पाते, काय लोक असतात रे बाबा। So, I was saying, कुछ ही देर में हम पहुंचेंगे उस जगह जिसके बारे में पूरा देश बात करता है, और जगह का नाम है नेशनल हाईवे नंबर 66, मुंबई गोवा हाईवे, जिसका काम पिछले 15 सालों से चल रहा है और चले ही जा रहा है, अभी भी चले ही जा रहा है, और आज तो NH66 पे अपने को ऑलमोस्ट 550 किलोमीटर राइड करना है, यहाँ से वाकण से लेके ऑल द वे टिल कुमटा। तो ऑफ कोर्स इन ऑल फेजेस, कहाँ से कहाँ तक कितना रास्ता बना है, कहाँ से कहाँ तक कितना काम चल रहा है, ऑल दिस आई ट्राई टू गिव यू एन इनसाइट। ऑफ कोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर व्लॉग नहीं बनाऊंगा मैं इसका, बट बीच बीच में वैसे कुछ बताने की ज़रूरत है नहीं, मोटो व्लॉग करूँगा तो आपको दिखता ही रहेगा कहाँ पर अच्छा रास्ता है कहाँ पर बुरा है। ये है वाकण जंक्शन जहाँ से NH66 पे हम कनेक्ट होंगे, ये खोपोली पाली रोड, और सामने जो दिख रहा है दैट इज़ NH66। पानी लेने के लिए रुके थे यहाँ पे, ले लिया वाटर बॉटल, थोड़ा सा पी के रख दिया यहाँ पे। जब रुकेंगे ना तब मैं आपको दिखाऊंगा, ये लगेज सेटअप के बारे में बताऊंगा, तो अभी नहीं उसके बारे में बात करते। एज यू कैन सी पंजी 438 किलोमीटर्स ऑन द लेफ्ट, अपने को पंजी से भी आगे 100-150 किलोमीटर जाना है, शायद ज़्यादा ही। सो एज आई सेड 550 किलोमीटर NH66 पे, एंड महाड़ी 67, सो आई वॉज एक्यूरेट, 67 किलोमीटर्स महाड़ में ब्रेकफास्ट। दुनिया के सबसे फेमस हाईवे पे 550 किलोमीटर चलना है अभी अपने को। चलो शाबाश, ये देखो याला म्हणतात नवीन बनवलेला रस्ता। वैसे बुराई करने से पहले बता दूं काफी हद तक बन गया है रस्ता, ये थोड़े बहुत पैचेस ही है जिसपे शायद वो बर्म्यूडा ट्रायंगल बन गया है गोवा हाईवे का। इट्स
जस्ट 8:34 इन द मॉर्निंग एंड द टेम्परेचर इज ऑलरेडी 38 डिग्री सेल्सियस। क्या हालत हो गई यार इस साल, मतलब 34-35 यूज टू बी द हाईएस्ट टेम्परेचर ऑफ द सीजन और अभी सुबह 8:30 बजे 38, कहाँ से कहाँ आ गया ये। हाईवे पे आके 15 किलोमीटर में दो ऐसे जंपर्स मिले मस्त, एक बार तो 2 फुट हवा में उड़ी है प्रियंका। जो ट्रांजिशंस है ना कंक्रीट टू टारमैक, टारमैक टू कंक्रीट, बिल्कुल भी स्मूथ नहीं है। आई स्टिल रिमेंबर जब कॉलेज में था ना मैं दापोली में 2007 से लेके 2011 तक, उस टाइम पे मैं बाइक पे ही जाता था और पूरा रास्ता मतलब बॉम्बे गोवा हाईवे पूरा ऐसा ही था जैसा अभी आपको दिख रहा है और वो रास्ता अच्छा था। आई मीन मैं करजत से दापोली 180 ऑलमोस्ट किलोमीटर्स था जो 4 घंटे में कर लेता था, इतना अच्छा जो अभी दिख रहा है ना ऐसे ही कंडीशन में रास्ता था। और जब से उन्होंने वो 4 लेनिंग और कॉन्क्रीटिंग करना चालू किया है तब से किसी की नज़र लग गई है शायद, लेकिन फिर भी अभी इंदापुर पहुंचने से पहले मतलब कोलाड़ से इंदापुर के बीच में ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर एट अ स्ट्रेच कंप्लीट कॉन्क्रीटिंग 4 लेनिंग कंप्लीट है। सो इट्स लाइक दैट, मतलब जहाँ बना है वहाँ पूरा बना है, जहाँ नहीं बना है वहाँ पे पूरी वाट लगी है। क्योंकि अभी जहाँ से हमने टच किया हाईवे पे वहाँ से कोलाड़ तक बीच में कॉन्क्रीट, बीच में टारमैक, बीच में डाइवर्जेंस, कभी लेफ्ट में चलो कभी राइट में चलो और वो ट्रांजिशंस में ज़्यादा तकलीफ होती है। अभी यहाँ पे बिल्कुल काम नहीं हुआ है तो ये टारमैक का रास्ता अच्छा बचा हुआ है, तो ऐसा भी अगर है तो कंप्लेंट नहीं है। इसी एक बात का टेंशन था लेकिन नसीब अच्छा है अपना, मानगांव में ट्रैफिक नहीं है। अदरवाइज अभी जब से ये छुट्टियाँ चालू हुई है ना हर दिन न्यूज़ में और न्यूज़पेपर्स में रहता है मानगांव में 2 किलोमीटर ट्रैफिक, मानगांव में 3 किलोमीटर ट्रैफिक। लकीली आज मानगांव में बिल्कुल ट्रैफिक नहीं है। बाइक चलाते हुए भी रिक्शा का जजमेंट लेना पड़ता है अपने को बिकॉज ऑफ द सैडल बैग्स, बट एक बार आदत पड़ गई ना फिर कुछ नहीं लगता। जब तक आपको आदत नहीं है तब तक ये देखो ये ऐसे लोग होते हैं ना, ऑलरेडी ट्रैफिक जाम होता है यहाँ पे, ये पार्किंग लैंप लगा के खड़ा है, नशीब लाज वाटली त्याला स्वतःची। ये आता है पुणे से रास्ता कामिनी घाट वाला, सो उधर से भी क्राउड आता है, यहाँ से भी आता है और यहीं पे सामने एसटी स्टैंड भी है, तो दिस बिकम्स लाइक अ सेंटर पॉइंट फॉर ट्रैफिक। बहुत सस्ते में निकल गए मानगांव से, मतलब अगर ट्रैफिक लगता ना ज़्यादा तो फिर महाड़ की जगह मानगांव में ही ब्रेकफास्ट, क्योंकि भूख लगना चालू हो गई अभी। लेकिन इजीली निकल रहे तो फिर जाएंगे महाड़ तक, कोई इशू नहीं है। क्या बात है, क्या लिखा है देखो, बाइकों की माया आणि आयटमचा आशीर्वाद, जबरदस्त भारी है तू बाबा। काय करतील ना लोक, आजादी की घड़ी नजदीक आ गई है दोस्तों, क्योंकि मुझे पता है यहाँ से जो हम कंक्रीट रोड पे चढ़ गए यहाँ से आगे महाड़ भी नहीं पोलादपुर तक पूरा रोड बन के तैयार है, और आज नहीं पिछले 3-4 साल से बन के तैयार है। सो दिस इज वन पैच अराउंड 40 किलोमीटर्स, 35-40 किलोमीटर्स, एब्सोल्युटली बटर स्मूथ। तो अभी यहाँ से 30-40 किलोमीटर में बिल्कुल भी कोई टेंशन नहीं है, ना डाइवर्जन्स, ना अप्स एंड डाउन्स, बस आराम से गाड़ी चलाते रहो। सीरियसली आई कैन से ये रास्ता यहाँ पे इस पैच में जो बना है ना इसे एक्सप्रेसवे से कम नहीं बना है। क्या क्वालिटी का रोड बनाया, मतलब ना जंपर्स है ना कुछ, स्मूथ। पिछले ऑलमोस्ट 10-15 किलोमीटर से मैं कंटिन्यूस 104-105 पे चल रहा हूँ।
37 और हम पहुंच गए महाड़। बस यहीं पे एसी स्टैंड के पास ही ब्रेकफास्ट का लोकेशन डिसाइड किया हुआ है, जाके रुकते हैं वहाँ पे। वैसे भी नवाज़ भाई को आने में कम से कम 10-15 मिनट लगेंगे, आफ्टर ऑल ये राइडिंग एन एवेंजर तो 80-90 पे चल रहे हैं, मैं 100-110 पे चल रहा हूँ, 110 नहीं 100-105 पे चल रहा हूँ। सो एटलीस्ट 10 किलोमीटर पीछे तो होंगे वो, रुकने के बाद चेक करता हूँ, वो लोग आएंगे उसके बाद ब्रेकफास्ट करेंगे, तब तक फ्रेश हो जाते हैं। पहुँच गए हम होटल स्वागत महाड़ में, आई विल शो यू। 136 किलोमीटर राइड हुआ है अपना, 27.9 का एवरेज दिखा रहा है 58 किलोमीटर पर आवर। ओके, इट्स 939, 38 डिग्री टेम्परेचर, 1084 इज द ओडो। ब्रेक टाइम एंड ब्रेकफास्ट टाइम। यो मिसल तो ओके चुका था आपका, 140 किलोमीटर राइड करने के बाद ब्रेकफास्ट मस्त था। 9:30-10:30 बज गए थे, सो पेट में कौवे नहीं, बड़े बड़े चीरी चिल्लाने लगी थी। मैं ये लोग भी पहुंच गए। कैसा है अभी तक का एक्सपीरियंस? सुपर्ब, एक्सट्रीम। आस्था करके यू डिड ऑलमोस्ट 200 ना? हाँ, आने से निकले 200। पिलियन यस हाय मंटा, एकदम खूब मजा आ रही। कसं वाटतं अवेंजर वर मागे बसायला? चांगलं वाटलं। बॅग मांडीत घेऊन हा बॅग नसतं तर अजून मजा आली असते। अभि क्या कर सकते हैं? सगळे बघा इथे सगळे सब लोग मिसळ खा रहे और ये ऑड मॅन आउट, लो कॅलरी वाला। लो कॅलरी डाएट पे वो लो कॅलरी खा रही है, पतला होना है।